है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। हम इन्हें बड़ी आसानी से पराजित करते हुए इनको बहुत ही आसानी से बिना खर्च किए पराजित कर सकते हैं, और वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन के वो अदृश्य से चेहरे जिन्हें अपने आप को आने वाले समय में मेहनत करके, संगोष्ठियां करके लोगों तक जो है वो 21 लक्ष्यों को पहुंचाना है, लोगों को ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, और इसके लिए उनके पास अपराध मुक्त भारत मिशन के 2500 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं। हमें लोगों से पूछना है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, वो ऊर्जाकृत और संकल्पित हुए या नहीं, और यदि वो ऊर्जाकृत और संकल्पित हैं तो हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं लोगों को समझने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। हमें अपनी बात उनके ऊपर थोपने का कोई हक नहीं है। तो मैंने ये सजेस्ट किया है कि हमारे लोग एक रजिस्टर बनाए और संगोष्ठी, क्योंकि कितनी संगोष्ठी एक दिन में कर सकते हैं, चूंकि अब हम विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने चंद्रगुप्तों को उतारने का निर्णय ले लिया है, लिहाजा अब हमें ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आप सब लोगों को सलाह दी है, मैं चाहूंगा कि ये सलाह जन जन तक पहुंचे और एक रजिस्टर वो साथ में लेके चलें, तो हर दिन वो कौन कौन सी संगोष्ठियां प्रपोज कर रहे हैं तो अपने लोगों के नाम जिनके घर में जाके वो बैठना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि फोन करके उनको बताया जाए कि मैं साहब आपके घर आ रहा हूं, आप जो है घर वालों को और आसपास के 2-4-10 लोग और आ जाएं तो पर्याप्त है, यदि पड़ोस के 10-12 लोग नहीं आ पाते हैं तो हम उनके घर जाके फिर जो है ना अपना दूसरी संगोष्ठी कर लें, लेकिन ये संख्या 20-25 से ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर संवाद जो है वो 1-to-1 नहीं होगा। तो उस रजिस्टर में पहले जो संगोष्ठी प्लान की हैं, जिनके माध्यम से प्लान की हैं, उनका नाम लिख लें, नंबर लिख लें और उनको फोन करके क्या समय दिया है वो लिख दें, और उनके पास बैठ के बातचीत की जाए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के जो वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं उसको जो है ना कास्ट करते हुए उस पर थोड़ी चर्चा की जाए, और फिर उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या वो सदस्य भूमिका निभाना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहते हैं, और मैं तो कह रहा हूं उनसे एक तीसरा ऑप्शन भी पूछा जाए कि यदि उनको समझने के लिए और समय चाहिए तो लिख लिया जाए कि समझने के लिए और समय चाहिए। और मेरा ये सोचना है कि हम इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप का एक कॉमन नाम करें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, मतलब क्राइम फ्री भारत CFB सपोर्ट ग्रुप, और अपना नाम, शहर का नाम, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो लगा लीजिए, और जितने लोगों से आप संगोष्ठी करते जाएं जिनके नाम रजिस्टर में रखना है उनको जो है उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, फिर वो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या अभी निर्णय लेने के लिए उन्हें और कुछ समय चाहिए, और यदि उनके इस बारे में कोई प्रश्न है तो उसको भी अगले कॉलम में लिख लिया जाए, और ये चीज मेरे पास तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा अपने साथियों से निवेदन है कि आज के बाद कोई फालतू की इनकरेजिंग या किसी तरीके की पोस्ट ना डालें। बहुत सारे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे आपके पास चीजें हैं, कृपया जो है ये क्राइम फ्री भारत के जो है ऐप को छोड़कर, क्राइम फ्री भारत के जो है ना ग्रुप्स को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं वो डालें। तो आज मैंने यहां संगोष्ठी प्लान की है 5, 10, 15, और उनमें कितने लोग रहे, कितने लोगों ने सदस्य भूमिका को स्वीकार किया, कितने लोगों ने चंद्रगुप्ती भूमिका को स्वीकार किया, कितने लोगों ने और समय मांगा है, और जो उन्होंने मूक प्रश्न उठाए हैं
यदि उन्होंने कोई जिज्ञासा जाहिर की है या उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह किया है तो हमें उनको नोट करना चाहिए और वो इस ऐप के माध्यम से, चाहे हम उसकी रजिस्टर की फोटो लेके और उसको अपलोड करें, तो हम इस ऐप का सारगर्भित यूज कर पाएंगे। मैं अपने सभी सदस्यों को बता रहा हूं कि यदि आज के बाद जितनी भी यदि जो है ना ऐसी इनकरेजिंग या और भी जो है ना वो डाली गई, मैं उन्हें आज के बाद डिलीट करना प्रारंभ कर दूंगा। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पूरी इंटीग्रेटेड एनर्जी अब अगले 8 महीने स्पेशली राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जो है लोगों तक पहुंचने में, संसदीय और चंद्रगुप्त और वो वाली व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए लगना चाहिए। तो मैं अपने सभी साथियों से जो सुन रहे हैं, वो कल इस ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा तो इसके माध्यम से भी आप सुन पाएंगे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आपकी जो भी बाकी जो है ना बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हैं वो अब मुझे ऐप पर अपलोडेड नहीं चाहिए। यदि आप अपलोड कर भी देंगे तो मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में जब भी अपना ऐप खोलूंगा मैं सब फीड को डिलीट कर दूंगा। सुपर एडमिन होने के नाते ये मेरा अधिकार भी है, मैं इस अधिकार का अब तक उपयोग नहीं कर रहा था, अब उपयोग करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी एनर्जी ये फालतू के जो है चीजों को, फालतू की नहीं है, अच्छी है, वो ज्ञानवर्धक भी हैं, लेकिन उन ज्ञानवर्धक चीजों की बजाय आपने क्या किया इसको आप जो है ना हाउस को बताइए कि आज मैंने 5 संगोष्ठियां की 10 संगोष्ठियां की, उनमें से कितने लोगों ने थे टोटल, उसमें मिला के उसमें कितने लोगों ने अपने आप को सदस्य घोषित किया, कितने लोगों ने चंद्रगुप्त घोषित किया, और कुछ लोग अभी और समझने के लिए समय चाहते हैं तो कृपया उनको समझने का समय दो। चूंकि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके होंगे तो जो एक क्राइम फ्री भारत पे जो नए वीडियोज आते हैं उन वीडियोज को उस पर अपलोड करते जाइए और उसके ऊपर चर्चा करिए। मैं अपने साथियों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आज के बाद कोई भी प्रमोशनल, कोई भी मोटिवेशनल फीड अब जो है क्राइम फ्री भारत ना तो ऐप पर और ना ही व्हाट्सएप पर डाली जाए। अब हमें एक्शन रिलेटेड फीड चाहिए। क्या ये बात नीरज कुमार जी, रघुवंशी जी, आपको समझ में आई है? आपकी इस बारे में क्या सोच है और क्या क्या किस हद तक आप हमारे इस मत से सहमत हैं, इसके बारे में आप लोग अपनी बात कहिए। सहमत है सर आपका। नीरज जी आपका क्या कहना है? नहीं, आप की बात से क्योंकि अब जो है ये इधर से उठा के उधर से उठा के ये काम अकेले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को करने दीजिए, क्योंकि जहां से मुझे कोई इम्पोर्टेंट चीज दिखती है वो आप तक मैं परोस देता हूं और उसके पीछे ये मकसद भी बताता हूं कि इन दुष्ट राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनकी पराजय तय है। जो यदि आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है उसे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए, यदि मैं उसे उचित पाऊंगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा, अन्यथा हमारी पूरी एनर्जी अब इस बात में लगना चाहिए कि हमने दिन भर में क्या किया, कितनी संगोष्ठियां प्लान की, उन संगोष्ठियों में कितने लोग उपस्थित रहे, उनमें से कितने लोगों ने अपने आप को सदस्यी भूमिका के लिए तैयार किया, कितने लोगों ने अपने आप को चंद्रगुप्ती उसके लिए कहा, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी समझना चाहते हैं, उनके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा है क्या, तो वो प्रश्न क्या है वो यदि हम तक पहुंचेगा तो हम उस पर वीडियो अपनी तरफ से ही बना के एक एक बार प्रश्न पढ़ के हम उनके जवाबों को दे पाएंगे। इस मॉडल में सब कुछ समाहित है, ये मॉडल जो है कॉस्मिक डाउनलोड का परिणाम है। इन 21 लक्ष्यों में यदि कोई चीज लग रही है किसी को कि वो समाहित नहीं है तो ये केवल उसे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे ही आप उसको जो है जैसे खोलेंगे तो सामने वाले को अपनी चीज उसमें दिखने लग जाएगी।
राजेश बलैया जी ने अवगत कराया है कि वो अभी एक शादी में हैं और उससे लौटकर सम्मिलित होंगे। मैं आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि अब हमारी पूरी एनर्जी संगोष्ठियों में लगे, हम लोगों को जोड़ें। अभी बाकी जो सोशल मीडिया है उसमें आप पोस्ट करते रहिए, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। इसको कॉपी करके भी पोस्ट करते रहिए, उसमें भी मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपकी रणनीति जो है ना, केवल एक होना चाहिए, संगोष्ठी संगोष्ठी एंड संगोष्ठी। जब आप पर्याप्त लोगों को जोड़ लेंगे, जब आप आमंत्रित करेंगे, तो हम छोटा कहीं छोटी सी जगह में कहीं बैठ के हम भी आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन वो तब करेंगे जब आपकी संगोष्ठियों के परिणाम हमें दिखाई देने लगेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को सदस्य भूमिका, चंद्रगुप्ती भूमिका, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। महेंद्र सिंह जी, आप नए हैं, आपके जेहन में कुछ क्लियरिटी की कमी हो सकती है, तो मैं ये आपको जो है ना मौका देना चाहूंगा कि आपको हक भी बनता है कि आप क्या सदस्यी भूमिका क्या है, चंद्रगुप्ती भूमिका क्या है, चंद्रगुप्त के जो चार स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर मीन्स संसदीय स्तर, राज्य स्तर मीन्स विधायक स्तरीय चंद्रगुप्त, जिला स्तरीय चंद्रगुप्त जिसमें मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे, और एक ग्रामीण स्तरीय जो है ना चंद्रगुप्त जिसमें आपके पंच सरपंच आएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में यदि आपको कोई भ्रम हो या कोई आप चीज पूछना चाहते हो या ग्राउंड पर कार्रवाई करते वक्त यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो इसके बारे में जरूर पूछें। आज जो है आपके माध्यम से मैं तमाम भारतवासियों को ये कहना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत की रणनीति इस ढंग से बनाई गई है कि इसमें ना तो गुलामों के अंग्रेजों के नियम का किसी का उल्लंघन हो रहा है, ना ही अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए घृणित कंडक्ट रूल का कहीं वायलेशन हो रहा है। लिहाजा भारत, हर भारतवासी, चाहे वो शासकीय सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो या अन्य किसी चीज में व्यवसाय में संलग्न हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ सकता है। और हम तो यहां तक कह रहे हैं कि इवन जो विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टियों के कर्मठ कार्यकर्ता बने रहें, बिना किसी संनिष्ठा में, बिना किसी श्रद्धा में परिवर्तन किए वो अपने पार्टी का हिस्सा बना रहते हुए